हाय, सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो बहुत अच्छा हूं और आप भी अच्छा कर रहे होंगे होपफुली। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम कुछ बात करेंगे आपके कुछ नया सीखने के बारे में। तो मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखो। तो बात करूँ कि आप कहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखना आप यूट्यूब के प्राचीन कन्या चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट, क्या हूँ तो सुभाष। ये रिलेशनशिप दोस्त के लिए अच्छी कहानी रहती है, लेकिन चलो प्राचीन कहानियाँ पे भी बोल देंगे। ये भी एक कहानियाँ का चैनल है एक तरह से, बट हम स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करते हैं। तो इस कड़ी में आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ क्या, वो है कि आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसी विकृति या कोई ना कुछ ऐसा पार्ट हमारे अंदर, सभी के अंदर रहता है जो हमें ट्रिगर्स देता है। अब जैसा कोई आपका क्लोज पर्सन होगा, वो आपको जानता होगा कि इसकी ये प्रॉब्लम है या ये इससे चिढ़ता है। तो क्या होता है कि वो जो जनरली ऐसे लोग होते हैं, वो आपकी उसी पॉइंट को, की पॉइंट जो होता है उससे ही आप पर अटैक करते हैं। आपने बार बार देखा होगा, तो जब वो अटैक करते हैं आपको पूरा लगता है मतलब टिगर्स हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या यहाँ तक देखते हुए आ चुके हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसको इसका परिणाम दे दो लाइक या डिसलाइक करके। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दो। कोई क्वेरी, कोई सजेशन अगर आपके मन में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इसके साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, देखिए तो हमारी बुक है, बुक का नाम है प्योर स्पिरिचुअलिटी अवेकन सोल। इसमें नई अपडेट क्या है, जो रिसेंटली मैंने वीडियो में भी अपडेट की थी, फिर से कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि अब हमारी बुक हार्ड फॉर्मेट में फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। और इससे भी मज़े की बात क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट अपनी सर्विस COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध कराता है, तो इसी के साथ में COD हमारी भी बुक अवेलेबल है। जो पिछले दिनों आपकी रिक्वेस्ट आई थी उसको फुलफिल करने के लिए मैंने ये काम किया। इसके साथ में अगर आप किंडल वर्जन खरीदना चाहते हो तो किंडल वर्जन अमेजन पर उपलब्ध है। इसके अपार्ट ऑफ दैट क्या आप हमसे बुक खरीदना चाहते हो, तो हमारी एक वेबसाइट है www.divineance.com पे आप जाकर खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे भी ना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, हमें एक व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 7895591900 पर आप सीधा व्हाट्सअप करो, पूछो मुझे बुक चाहिए, वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे, पिन कोड के साथ में उनको एड्रेस दे दो। उसके साथ में आपको क्या करना है, सिंपली जो बुक का पैसा है वो पे कर दो। उसके बाद में बुक आपके घर पर, आपके एड्रेस पर सुरक्षित पहुँच जाएगी। काफ़ी लोगों के पास में पहुंच चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग उस बुक को परचेस कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, चाहता हूं कि आपका भी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो अपग्रेड हो जाए, बस इतना सा मेरा लालच है। अगर ये लालच आपको बुरा लगे तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, अन्यथा आपको ये बुक परचेस करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। तो चलिए अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हम क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, वो ये था कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमारे क्लोजली पर्सन होते हैं, जैसे कि एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है, हस्बैंड वाइफ होती है, या कोई भाई बहन होते हैं, वो सब हमारे बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये पर्सन, ये सुभाष है, ये इस वजह से टिगर होता है। अब सपोज करो वो कुछ भी कैसे भी हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक बेचारी एक लड़की है, उसने बहुत अच्छा खासा टाइम दिया अपने सजने तवरने में, सिंगार करने में, जो भी सारी चीज़ें वो करना चाहती है, वो मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हो जो भी देखोगे। तो लेकिन उसके बाद में वो किसी ऐसे पर्सन के सामने जाती है जो उसके लिए मैटर करता है, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उसके फादर हो। कोई भी फादर तो कभी भी अपने बच्चे को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें उसने कह दिया कि अरे यार आज आप अच्छी नहीं लग रही, या ये ड्रेस आपको अच्छी नहीं कर रही, ये ड्रेस उस पर अच्छी लगती थी, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी और आप क्या हो, टिगर हो गए, परेशान हो गए कि मैंने इतना टाइम लगाया, इसको कभी मैं अच्छी नहीं दिखती, लाइक दैट, सो एंड सो, यू नोज बेटर देन मी। तो उसमें क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा कैसा है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो फंडा क्या है, पॉइंट क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसको दबा के अंदर मत रखो। उसको क्या करने की ज़रूरत है, उसको बाहर लाओ कि ठीक है अगर मैं ऐसा नहीं देख रही, इस पर मैं काम करूँगी, काम करके फिर से दिखाऊंगी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। पहली बात तो हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाने के लिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। जो हमारी विकृतियां हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, उनको रिवील करना है, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आज वो आपके नेगेटिविटी बनने के एक हिस्सा या कारण बने हुए हैं, उन लोगों को समझ आ सके कि जो मैं कल था या कल थी वो आज नहीं हूँ, आज मेरा सेकेंड वर्जन है और ये वर्जन पहले से
इम्प्रूव्ड है, तो मैं भी ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप भी मुझे उसी हिसाब से देखो, और आप मेरे प्रति जजमेंटल मत बनो। अगर बनना है तो अपने आप को भी प्रूव करो, और मैं तो कर ही रहा हूँ या कर रही हूँ, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्या चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को छुपा लेते हैं, और फिर मन ही मन में सोचते रहते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि अभी इनिशियली तो लगेगा कि ठीक है ऐसा क्या हुआ, बस मैंने बोल ही तो दिया, लेकिन लॉन्ग रन में ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, और बहुत हद तक और बहुत बुरी तरह परेशान करेंगी। सो कभी भी हमें किसी के सामने खुद को परेशान नहीं करना। यू आर द सुपर, आप बहुत अच्छे हो। एक बार मिरर में देखो, आपको पता लगेगा कि आप एक प्यारी सोल हो। और इसके साथ साथ में बॉडी का रंग ढंग दिखना वीखना, बाल है नहीं है कैसा है, वो चंद दिनों की कहानी है, उसमें ढल जाती है। हाँ, ये भी सच है, कड़वा सच है कि आजकल की दुनिया, आजकल के लोग इस चेहरे को और सरकारी नौकरी पर ज़्यादा मरते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे लोग कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। और जो अक्सर ऐसा होता है, जो बहुत अच्छा दिखने की या दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ गलत होता है, जो देर से ही बस हमारे सामने आ जाता है, तब हमें पछतावा होता है। तो आज का क्या पॉइंट था, जो भी दिक्कतें, जो भी टिकर्स आपको आते हैं दूसरे के कुछ कहने से, कैसे भी करके, या अपने आप में भी आप सोच के उसको डीमोटिवेट होते, तो उसको ऐसे पर्सन के सामने जिसको आपको लगता है कि मैं उसके साथ में शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ उससे, वो मुझे एक प्रॉपर राय दे सकता है, तो उसके सामने शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं दिखता है, तो देखिए ऐसा एक पर्सन मैं आपको बता देता हूँ, वो है काउंसलर। कोई भी आपके आसपास जिसको आप जानते हो, आपकी सिटी में 1000-2000 कुछ रुपए लगेंगे, लेकिन वो आपको ये जो विकृतियाँ है जो जेनेटिक बन जाती है एक लॉन्ग रन में, क्योंकि जैसा आप सोचते हो, अगर आप माँ हो बाप हो, तो उसी तरह का जीन उस बच्चे में जो आपका फ्यूचर किड होगा उसके अंदर पे भी जाता है, तो सेम सिंड्रोम से वो भी गुजरेगा। तो बेटर है ना इसका ट्रीटमेंट कर लो। और अगर आप ये सब मुझसे क्योर कराना चाह रहे हो, अपने आप को मुझसे एक तरह से ट्रीटमेंट कराना चाहते हो ये सब का, तो यस मैं भी हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए, इफ़ यू वांट ओनली। अदरवाइज चल रही है दुनिया, चलती रहेगी, किसको किसकी पड़ी, बस मुझे आप सबकी पड़ी है जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, प्राचीन कन्या के मेंबर हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप कि कल से आज आप जो आज वर्जन हो, लोग आपको कुछ भी कहें, कल को आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है, और उनको कहने का ना कहने का कोई मतलब नहीं है। बी स्मार्ट, अच्छे से रहो, और अच्छे दिखो, अच्छे खाओ, मस्त रहो, अपनी सोल की केयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए बुक जरूर खरीद लो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन ना बदल कर रखते हैं, तो बताना। अवेकन सोल बन जाओ, सिर्फ कहने के लिए, सीखने के लिए नहीं कि मैं अवेकनिंग हो रही है, अवेकन सोल बन जाओ। तो कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद में, सिर्फ हमें क्या इम्पोर्टेंट होता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। अगर कोई बोलता हो सिर्फ आपको अपने गुणगान करने से अच्छा लगता है, जी हाँ, इस ज़माने में कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं है, क्योंकि हर ना कोई इसलिए ढूंढ रहा है एक दूसरे को, कोई आए मेरी तारीफ करे, कोई आए मुझे अच्छा कहे, कोई आए मेरे बारे में चार अच्छी बातें कहे, तो कोई सब कुछ जब सबसे मांग रहे हैं तो कौन किसकी करेगा, तो इसलिए खुद की खुद कर लो, सबसे अच्छी बात तो ये। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते आने वाली वीडियो में, थैंक यू।